ये देखिए, आज मैं आपके पास सोच सकते हैं क्या लेके आई हूँ। बहुत बड़ा धमाका लेके आई हूँ अपने गार्डन के लिए। आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये क्या चीज़ है। जब ये तो आप तभी आपको पता चलेगा जब धीमे 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 आप जानते हैं बॉबी की एक दुनिया ही बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें लेके आती है जो आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ डालोगे, यूट्यूब में ढूंढते रहोगे कि भाई चलो भाई हम भी कुछ सोचें इस तरह से जुगाड़ बनाने का। लेकिन आप लोग कुछ नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये जुगाड़ सिर्फ मेरी ही दुनिया में है। मैं ऐसा यूनिक पॉट स्टैंड लेके आई हूँ जो आप लोग समझ नहीं पाओगे। पॉट स्टैंड नहीं है ये मेरा, ये गजब का, बहुत जमानों का। मेरे पास मशीन पड़ी हुई थी, मशीन वो भी कौन सी सोच सकते हैं आप, सिलाई मशीन पड़ी है। ये सिलाई मशीन है, देखिए आप ध्यान से देखिए, जो पहले के ज़माने में इस तरह का, देखिए ये चरखा चलता था, और ये देखिए ये पैर हैं, इस तरह से लोग पैर रख के यहाँ पे सिलाई मशीन करते थे। तो ये सिलाई मशीन है, और आप सोच सकते हो मेरे गार्डन में इसका क्या काम है। सोच सकते हैं आप मेरे गार्डन में कोई काम है क्या इसका। लेकिन पौधों की दीवानगी ही ऐसी होती है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। जो पूरी दुनिया की जो चीज़ें लोगों के लिए बेकार होती हैं, वही हम लोग के गार्डन के लिए बहुत सोना बरसाने वाली होती है। तो लोगों के लिए तो बेकार कूड़ा ही थी, सालों से पड़ी हुई थी कूड़े में, कॉर्नर में एक जंग खा के पड़ी हुई थी। देख सकते हैं अच्छा खासा इसमें जंग लगा हुआ है, और इतना लोहा लाड़ है, इतना लोहा लाड़ है। लेकिन मैंने सोचिए अपने गार्डन में इसको गजब का चलता फिरता प्लांटर बना लिया। सोच सकते हो आप, चलता फिरता प्लांटर वाला स्टैंड। तो ये तो आप मेरी वीडियो में देखोगे तभी आपको पता चलेगा मैंने चलता फिरता प्लांटर कैसे स्टैंड बना दिया है। तो सोच सकते हो ये सिलाई मशीन है, और कैसे चलेगी भला, इसमें पौधे कैसे रखे जा सकते हैं। तो आ जाइए मेरी शानदार वीडियो देखने के लिए, तभी आपको पता चलेगा इस चक्के का क्या काम है और इस पूरी मशीन का मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तरह का यूनिक जो बोलते हैं हम लोग म्यूजियम में देखने जाते हैं, तो समझ लीजिए आज मेरा गार्डन म्यूजियम बन गया है, क्योंकि मैं म्यूजियम वाली ही यूनिक चीज लाई हूँ। कम से कम 60 साल से भी ज्यादा पुराना है ये, मैं 60 साल भी गिनती नहीं बता सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कब का पुराना है। मेरी सासू माँ है, सासू माँ की सासू माँ, पता नहीं कब से ये मशीन चल रही थी, तब से ये मशीन, सोचिए सिलाई मशीन है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये देखिए पैर से जो लोग चलाते थे पहले से, ये देखिए इस तरह से पैर से लोग जो चलाते थे चक्का, ये देखिए ये चक्का जो चलाती। मुझे तो जो मिल जाए मैं तो अपने गार्डन में उसमें हीरा मोती बना लेती हूँ। और ये सबसे बड़ी चीज, चलता फिरता स्टैंड है, इसमें टायर लगे हैं, ये देखिए लोहे के छोटे छोटे से टायर लगे हैं। तो आज मैंने सोचा अपने गार्डन में म्यूजियम का यूनिक स्टैंड बना लूं। लोहा लाड है, गजब का लोहा लाड है कि आप इसको अकेले उठा ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से इसमें टायर लगे हुए हैं। जब सिलाई मशीन होती होगी जमाने में, तो उस समय लोग इसमें कपड़े सिलते थे, मतलब मेरे घर में ही मेरी सासू माँ कपड़े सिलती थी इसकी। तो इसमें टायर लगे थे कि जिससे कि उठाना ना पड़े, खिसका लिया जाए, खाली इसमें इस तरह से खिसका लिया जाता था इस तरह से। ये देखिए बस ये चलता, जो कहते हैं ना चलता फिरता पॉट स्टैंड, समझ लीजिए चलता फिरता पॉट स्टैंड आ गया है मेरे पास। और मैं बहुत हो गई हूँ करोड़पति, क्योंकि मेरे पास म्यूजियम का रखने वाला स्टैंड आ गया है। तो अब आप सोच समझ गए होंगे कि आज मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। इसका मैं गजब का पॉट स्टैंड बनाने वाली हूँ, और इतना खूबसूरत पॉट स्टैंड बनाऊंगी कि आप लोगों ने कभी मार्केट में, अगर आप लोग जाएंगे, देश विदेश भी जाएंगे, मॉल भी जाएंगे, तो आपको इस तरह का यूनिक पॉट स्टैंड जिंदगी में मिलने ही नहीं वाला है। आप लाखों रुपए भी सोचोगे, लाखों रुपए का ले ले, लाखों का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ही गार्डन में है, क्योंकि मैं ही हूँ और बिल्कुल अलग दिखने वाली हूँ, और बिल्कुल अलग चीजें लेके आती हूँ आप लोग के लिए, जो आप लोग सोचते हैं चलो भाई हम भी करें ट्राई, लेकिन ये ट्राई आप लोग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये चीजें, यूनिक चीजें सिर्फ मेरे पास ही मिलती हैं। तो ये देखिए मैंने लकड़ी का पटरा ले लिया है, और ये पटरा इस तरह से मैं लगाऊंगी। तो पहले देखती हूँ मेरे इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें लग सकती हैं, वो चीजें दिखा देती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं एक गमले से तो मेरा सब्र होने वाला नहीं है। मैं तो दसियों गमले लगाने वाली हूँ इसमें, और दसियों गमले कैसे लगाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरा टोटल वाइन है, और मैंने इस तरह से पेंट किया हुआ है एरियल की बॉटल को। ये मेरी एरियल की बॉटल है, ये मेरी एरियल की बॉटल लग गई यहाँ पे, एक इस तरह से लगा दी मैंने, और अब मैंने एक लगा, ये देखिए इस तरह से सोची हूँ लगाने की, ये भी बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो इसको भी लगा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में जब पटरा लगा दूंगी तो इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस तरह से ये देखिए ये लगा दिया, इस तरह से ये बांध दिया मैंने, ये लगा दिया, ये भी बहुत सुंदर सा लग रहा है। और ये देखिए, तो ये देखिए दो बॉटलें मैंने यहाँ लगा दी हैं, और दो बॉटलें मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। कोशिश करती हूँ जहां जहां जो ज्यादा सुंदर लगने वाला है वहीं वहीं से ट्राई करती रहती हूँ, वहीं वहीं लगा देती हूँ, जो ज्यादा अच्छा लगेगा उस तरफ से ही अपना। और ये मेरा ऐसा म्यूजियम वाला यूनिक स्टैंड लेके आई हूँ कि इसको आप
अपने कॉर्नर में लगा सकते हैं, आपके पास टाइम, आपके पास जगह है तो आप लोग बीचों बीच लगा सकते हैं, मतलब इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक ये लगा दिया यहाँ पे, चार मतलब ये टांगने वाले मैंने हैंगिंग पॉट टांग दिए हैं, चार पॉट यहाँ पे टांग दिए हैं। देखती हूँ सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये टांग दिए। अब इसके बाद मैं इसमें पटरा बिछाती हूँ, ये देखिए पटरा काफी हैवी लिया है कि जिससे कि हमारे गार्डन में तो पूरे टाइम ही काम होता है पानी का, भाई पानी में काम होना है तो हमारा पटरा खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने काफी मजबूत पटरा लिया है, क्योंकि जब लोहा लाड़ मशीनी है हमारी जमानों की, तो उसके लिए हमको पॉट भी तो, ये स्टैंड भी तो अच्छा चाहिए। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास कितने सारे गमले इसमें आ सकते हैं, आएंगे तो ढेरों सारे, क्योंकि मैं जगह ही बना लूंगी, तो जगह बनाने में तो मैं वैसे ही बहुत उस्ताद हूँ। तो ये देखिए एक मैंने यहाँ सदाबहार का प्लांट रख दिया है, और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको अपना ये अपने हैंडमेड अपना खूबसूरत सा ये रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही सबसे सुंदर लगने वाला है। तो एक मैंने इसमें ये लगा दिया, मैं इसको जब मन चाहे निकाल भी देती हूँ, परमानेंट पॉट भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा यूनिक पॉट बना हुआ है, मैंने अपने हाथ से इसको बनाया हुआ है, ये पेप्सी की बॉटल से मैंने बनाया था, तो इस वजह से ये मेरा बिल्कुल ही अलग टाइप का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं इसको बहुत सेफ करके रखती हूँ, कहीं टूट ना जाए, वैसे तो मेरी मजबूती काफी अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने ये लगा दिया, अब मैं इसमें यहाँ खूबसूरती बनाने के लिए एक ये मैक्स पिटोनिया रख दिया मैंने यहाँ पे, एक मैक्स पिटोनिया रख दिया और एक ये रख दिया है जिसमें खूबसूरत से फूल लगे हैं, बस ये दिखाना मतलब है कि खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैं देख रही हूँ कौन कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है इसमें, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और अब मुझे इसको अपने हैंडमेड ही, अपने में जानती हैं आप, अपने मैं अपनी हर चीज हैंडमेड बनाती हूँ। ये देखिए मैंने पेप्सी की बोतल का पॉट बनाया था, ये देखिए मेरा रियो प्लांट लगा हुआ है इसमें खूबसूरत सा, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया रियो प्लांट। देखिए फ्रेंड मेरा ये यूनिक पॉट स्टैंड आपको कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा, मैं इसमें ट्राई करती रहूंगी, जो ज्यादा खूबसूरत सा लगता रहेगा उस तरह के पॉट लगाती रहूंगी इसमें, बदल बदल के लगाती रहूंगी, क्योंकि मेरे पास तो काम धाम कुछ है नहीं, यही सब कोशिश करती रहती हूँ, जो ज्यादा खूबसूरत लगेगा वही सब उस तरह से स्टैंड से पूरा भर दूंगी इसको, उस तरह के पूरे स्टैंड से भर दूंगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही अलग टाइप का ये पॉट बन गया है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा कितना खूबसूरत सा लग रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरा ये सारे ही पॉट बहुत सुंदर हैं, और जहां जहां इसको टांगूंगी वही वही सुंदर सा लगने वाला है, ये बहुत प्यारा सा लगेगा। तो आप देख ले सकते हैं ये मेरा पूरा पॉट स्टैंड भर गया है, और अभी मैं चाहूँ तो इसमें बहुत ढेर सारे स्टैंड टांग सकती हूँ, बहुत सारी बॉटलें इसमें टांग दूंगी, अभी मैं काफी बॉटलें टांगने वाली हूँ इसमें, काफी सुंदर सुंदर सी बॉटलें टांगूंगी, बढ़िया बढ़िया सी, एक से बढ़कर एक बॉटल टांगने वाली हूँ। देखती हूँ कौन कौन सी बॉटलें इसमें सुंदर फिट होने वाली हैं, ये देखिए एक मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है मॉर्निंग रोज वाला, एक ये मॉर्निंग रोज का लगा दिया है, एक मॉर्निंग रोज यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि मैं बदल बदल के लगा रही हूँ कौन सा ज्यादा सुंदर लगने वाला है। ये देखिए इस तरह से ये मॉर्निंग रोज है मेरा, ये देखिए ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसको डबल कर लेते हैं क्या है, क्योंकि जगह काफी है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से जगह बना लेते हैं। तो ये देखिए भर गया है पूरा, गजब का, देख लीजिए कितना प्यारा सा पॉट स्टैंड बन गया है, और कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 गमले मैंने इसमें लगा दिए हैं, और अभी ये देखिए ये जगह बची है, मैंने यहाँ भी सोचा था, लेकिन पूरा हौच पौच बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर मशीन दिखेगी नहीं, कि जो मैं अपना म्यूजियम वाली चीजें दिखाना चाह रही हूँ तो वो दिखेगी नहीं कि मेरी ये मशीन का पॉट स्टैंड है, इस वजह से मैं अभी इसमें बीच में नहीं लगा रही हूँ, या तो मैं ये वाले हिस्से हटा दूं, अगर ये दोनों हटा दूंगी तो यहाँ इसमें टांग दूंगी, यहाँ पे ये इस तरह की एरे वाली बॉटलें टांग दूंगी, वो भी मेरी बहुत खूबसूरत सी लगने वाली है, बहुत सुंदर लगेंगी। तो देख लीजिए फ्रेंड मैंने आज आपके सामने एक बिल्कुल म्यूजियम का यूनिक स्टैंड बना दिया है, जो चलता फिरता मेरा स्टैंड है, ये मेरा चलता फिरता है, मुझे इसमें उठाई धराई का भी कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए इस तरह से मैं इसको चलती फिरती वाला, ये देखिए आराम से मेरा, ये देखिए पूरा चलता फिरता वाला है, बहुत खूबसूरत पोस्ट पॉट स्टैंड लेके आई हूँ, ये देखिए बढ़िया सा मेरा बन गया है, और अब मेरे गार्डन में चार चांद लग गए हैं। तो फ्रेंड आज की मेरी टॉपिक कोई टॉपिक टिप वाला नहीं था,
बस यूनिक स्टैंड लेके आई हूँ पुराने जमाने का, तो यही मेरा था। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आपके पास ऐसी ही खूब जोरदार वाली चीजें लेके आऊंगी जो आप लोग को बहुत सुंदर लगने वाली हैं। बस इसी तरह की कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाती ही रहती हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि मैं हूँ गार्डन की दीवानी, आप भी गार्डन के दीवाने हैं। तो आप भी इस तरह से कुछ ना कुछ अपना अपना यूनिक पॉट दिखा सकते हैं कि हमारे गार्डन में कौन सी खूबसूरत सी शान लगने वाली है। तो मेरे गार्डन में तो ये खूबसूरत सी शान चमक गई है, आपके गार्डन में चमकेगी कि नहीं चमकेगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे जब मैं इस तरह के आइटम दिखा तो अधिकतर लोग बोलते हैं हमारे घर में भी ये रखा हुआ है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अरे वाह, देख लीजिए मेरी गुड विशेस आ गई है, देख लीजिए गुड विशेस, वाह बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत सी आ गई है। तो ये मेरी गुड लकी लकी चाम है, ये मेरी बटरफ्लाई आ गई। तो ये मतलब समझ लीजिए 100% मेरी वीडियो गजब की वायरल होने वाली है, क्योंकि हमारी बटरफ्लाई बटर ये हमारी गुड विशेस वाली होती है। बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई आ गई, मतलब कि इसको भी पसंद आ गया मेरा यूनिक पॉट स्टैंड, बहुत इसको अच्छा लग गया, तो आप लोग को भी अच्छा लगने ही वाला है। चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ अच्छी सी ऐसे ही वीडियो लेके, बाय बाय। मेरी भी बना दो, इसमें खड़ी बन रही है।